के खिलाफ देश की जो लड़ाई चल रही है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में इस सदी की सबसे बड़ी महामारी से पूरा देश और पूरी दुनिया जूझ रही है। भारत ने फर्स्ट वेव का मुकाबला पूरी मजबूती के साथ किया और सेकंड वेव वर्तमान में हम सबके सामने चुनौती देते हुए खड़ी है। देश के अंदर सबसे बड़ी आबादी का राज्य होने के नाते उत्तर प्रदेश पूरी मजबूती से इस लड़ाई को लड़ रहा है। फर्स्ट वेव में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कुछ मंत्र दिए थे कोरोना से लड़ने के लिए कि ट्रिपल ट्री पर हमें ध्यान देना पड़ेगा, ट्रेस, टेस्ट एंड ट्रीट, अर्ली एंड एग्रेसिव कैंपेन के माध्यम से हम इस लड़ाई को बहुत मजबूती के साथ आगे बढ़ा सकते हैं। फर्स्ट वेव में यह आशंका व्यक्त की थी विशेषज्ञों ने कि उत्तर प्रदेश में एक्टिव केस 1 लाख से ज्यादा जाएंगे और उत्तर प्रदेश ने एक्टिव केस 67,000 पर नियंत्रित करी थी और फर्स्ट वेव में जो यहां पर प्रतिदिन आने वाले जो मैक्सिमम केस थे वो 7,200 तक पहुंचे थे। टेस्ट प्रतिदिन हम लोग कर सकते हैं, हमारे पास बेड्स नहीं थे, हमने फर्स्ट वेव में L1 फैसिलिटी के बेड की आवश्यकता थी, 1,16,000 तक उसे पहुंचाया था। L2 L3 की 23,000 तक हमने बेड्स पहुंचाए थे, लेकिन सेकेंड वेव में L1 फैसिलिटी के बेड की आवश्यकता नहीं थी, L2 L3 की फैसिलिटी की आवश्यकता पड़ी, तो हम आज 80,000 तक पहुंचा चुके हैं। फर्स्ट वेव में ऑक्सीजन की इतनी आवश्यकता नहीं थी, लेकिन सेकेंड वेव में ऑक्सीजन की आपूर्ति कई गुना ज्यादा बढ़ी, लोगों ने डिमांड की ऑक्सीजन की, जिससे पहली बार देश के अंदर ऑक्सीजन एक्सप्रेस भारत सरकार के सहयोग से चले, एयरफोर्स के जहाजों के माध्यम से ऑक्सीजन के टैंकर भेजे जाते थे, वहां से ट्रेन के माध्यम से मंगाए जाते थे और आज हम लोगों ने हर जनपद में सरप्लस ऑक्सीजन तक उपलब्ध कराने में इस दौरान हम लोग सफल रहे हैं। लेकिन फ्यूचर की आवश्यकता को ध्यान में रखकर ऑक्सीजन आत्मनिर्भरता की दिशा से अकेले मेरठ मंडल के अंदर 35 नए ऑक्सीजन प्लांट लगाने की कार्रवाई वर्तमान में चल रही है और जिसमें अकेले मेरठ जनपद में 10 ऑक्सीजन प्लांट वर्तमान में जिन पर या तो कार्य प्रारंभ हो चुका है या जिन पे कार्य होने जा रहा है, जिससे आने वाले समय में यहाँ के मेडिकल कॉलेजेज, हॉस्पिटल और CSCs में ज्यादातर को हम लोग ऑक्सीजन की दिशा से आत्मनिर्भर कर सकेंगे और बाहर से ऑक्सीजन लाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कार्य होने जा रहा है जिससे आने वाले समय में यहाँ के मेडिकल कॉलेजेज, हॉस्पिटल और CSCs में ज्यादातर को हम लोग ऑक्सीजन की दिशा से आत्मनिर्भर कर सकेंगे और बाहर। सेकेंड वेव जब आई महाराष्ट्र के अंदर, दिल्ली के अंदर जब पॉजिटिविटी बहुत ज्यादा बढ़ गई, तो दुनिया के विशेषज्ञों ने, देश के भी विशेषज्ञों ने आशंका व्यक्त की कि महाराष्ट्र और दिल्ली की स्थिति थी, उत्तर प्रदेश तो आबादी का सबसे बड़ा राज्य है, इसकी क्या स्थिति होगी, और उन्होंने आशंका व्यक्त की थी कि 25 अप्रैल से लेकर के 10-15 मई के बीच में 1 लाख केस प्रतिदिन उत्तर प्रदेश में आएंगे। हमारी पूरी टीम ने, शासन ने, प्रशासन ने, जनप्रतिनिधियों ने, हमारे हेल्थ वर्कर्स ने, कोरोना वॉरियर्स ने, स्वयंसेवी संगठनों ने, आप सभी ने मिलकर के जो एक रिजल्ट दिया है, इसमें उत्तर प्रदेश के अंदर एक दिन में सबसे अधिक पॉजिटिव केस आने वाली जो तिथि थी वह थी 24 अप्रैल, जिसमें 38,055 केस आए थे। हमारे यहां जो सर्वाधिक एक्टिव केस जिस तिथि को पहुंचे थे वो 30 अप्रैल थी, जब 3,10,000 एक्टिव केस उत्तर प्रदेश में थे। इस समय हम लोगों ने उसी तर्ज पर
थर्ड वेव को फेस करने के लिए भी अपनी एक व्यापक रणनीति को आगे बढ़ाने का कार्य किया है। हमारी जो प्रदेश के अंदर विशेषज्ञों की समिति है वो निरंतर इस पर कार्य कर रही है। भारत सरकार के मार्गदर्शन में, भारत सरकार के सहयोग से हम इसको भी नियंत्रित करने में सफल होंगे। मेरी आप सबसे भी अपील होगी कि इस महामारी से लड़ने में एक बहुत बड़ा रोल अवेयरनेस का होगा और मीडिया का बहुत बड़ा रोल हो सकता है पब्लिक अवेयरनेस में। हाई रिस्क कैटेगरी से जुड़े हुए लोग जो पहले चरण से ही, पहले फर्स्ट फेज से ही कहा जा रहा है कि फर्स्ट वेव के समय की हाई रिस्क कैटेगरी के लोग बाहर ना निकले, जिन्हें ब्लड प्रेशर है, जिन्हें शुगर है, जो कैंसर के रोगी हैं, जो हार्ट के पेशेंट हैं या किडनी के पेशेंट हैं, वे घर से बाहर ना निकलें, घर में भी मास्क लगा करके चलें। गर्भवती महिलाएं हैं, 60 साल से ऊपर के लोग हैं, 10 साल से नीचे के बच्चे हैं, कम इम्यूनिटी के लोग हैं, ये लोग घर के बाहर ना निकलें। शेष अन्य लोगों को निकलना ही हो तो मास्क लगा करके चले, मास्क और दो गज की दूरी का पालन करें, किसी वस्तु को छू रहे हैं तो सैनिटाइजर से हाथ साफ कर लें या साबुन पानी से साफ करें, हाथ साफ करें। इन सभी नियमों के बारे में अगर पब्लिक को हम अवेयर कर सकें, जागरूक कर सकें, तो एक बहुत बड़ा कार्य जो है कोरोना को रोकने की दिशा से और उसके चेन के, संक्रमण की चेन को ब्रेक करने में हम लोग काफी हद तक सफल हो सकते हैं। देश की कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई में आपके माध्यम से भी सभी लोग जागरूक हो सकेंगे। इस अपील के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।